मंत्री के यहाँ भी आज आए मॉर्निंग में और आज सचिवालय में भी आए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भी, प्राइमरी डायरेक्टर के यहाँ, डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ। आज हमारे साथ एक मैम भी है, जो मैम अभी कैमरा पकड़ी हुई है, ये मैम भी है और अजय जी भी। देखिए आज कुछ बड़ी आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लगेगा, शॉक भी लगेगा, शॉक भी लगेगा दोस्तों कि आखिर क्या होने जा रहा है बिहार में। बिहार में 2020 जो नियमावली बनी है उसमें किसी त्रुटि कारणवश वो 2020 नियमावली को तोड़ा जा रहा है, जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। अब आप लोग का प्रश्न होगा कि सर आप ये कैसे बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बात। आपको मैं प्रूफ भी दिख रहा हूँ, वीडियो के अंदर बने हुए रहिएगा। पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहले हम अजय जी से भी जाने का प्रयास करेंगे कि आज क्या कुछ हुआ है। और बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों कि 2020 नियमावली को रद्द करके 2022 नियमावली अब बन रही है, जो कि हम वेबसाइट पर भी देखें, हम यानी कंप्यूटर पर भी देखें, सर हमको दिखना भी है डिप्टी डायरेक्टर सर। तो सबसे पहले अजय जी से हम जानते हैं। आज एक बार पूरा हम लोग अपनी प्राथमिक सेवन चरण के मुद्दा को लेकर के आए हुए हैं। अच्छा, डिप्टी डायरेक्टर साहब क्या बोले हैं तो सर? और जो है कि आज हम लोग का डिप्टी डायरेक्टर साहब से भेंट हुआ और वो बोले हैं कि आप लोग का जो बहाली होगी 2022 नियमावली के तहत होगी, 2022 नियमावली के तहत होगी और 2022 में ही संपन्न हो जाएगी। ये सी ओर वो बोले हमारे उन्होंने सुनिश्चित किया कि 2022 में ही आप लोग का सिलेक्शन होगा, आपको टीचर बनेंगे। ये बोले हैं कि मैम का जो मैम अभी कैमरा पकड़ी हुई थी, इनका कहना था कि क्या मैं 2022 में शिक्षक बन सकता हूँ, 2022 में नोटिफिकेशन आएगी, तो उनका कहना था कि इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही आ जाएगी। बट 2020 नियमावली के अनुसार नहीं होगी, बट सेंट्रलाइज होगी। यही ना बात था, तो यही था। मैं यही वीडियो में आगे चलते उनका थोड़ा बहुत ऑडियो जो मेरे पास है वो मैं ऑडियो भी सुनाऊंगा। ये कंफ्यूजन है कि 2020 अगर नियमावली बनी है तो 2020 नियमावली से आज तक बिहार में एक बार भी बहाली नहीं हुई है, फिर भी 2020 नियमावली को तोड़कर रद्द करके और 2022 नियमावली पर भी काम चल रही। जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूँ, डेस्कटॉप पे मैं देखा भी हूँ, जो काम चल रहा था ऑलरेडी, मैं जो मैम ये अभी मेरे साथ है जो कैमरा पकड़ी हुई है ये भी थी मेरे साथ, अजय जी भी थे। आगे अगर कोई स्टूडेंट है जिनको पास कंफ्यूजन हो तो वीडियो के अंत तक मैं उनका ऑडियो जो बात हुई है मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूँ। इससे पहले हम लोग जो गाए हुए थे फ्राइडे को, तो संजय सर 2020 नियमावली के तहत ही बोले कि आप लोग का सिलेक्शन होगा और आज जो है आज कहा जा रहा है कि 2020 नियमावली खत्म, 2022 को मंडे को आए हुए हैं सचिवालय से बोल रहे हैं अभी हम, तो डिप्टी डायरेक्टर बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग को बहाली 2020 नियमावली नहीं 2022 नियमावली हो रहा है, बट ऑनलाइन सेंट्रलाइज होगा। हम ये भी सब प्रश्न किए हैं कि सेंट्रलाइज क्या हो जाता है, वो बोले हैं कि देखिए सेंट्रलाइज अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो 2 दिन का समय लगेगा, तो इतना मेरे पास सब फुर्सत नहीं है इतना सब कुछ बताने का। डिप्टी डायरेक्टर सर का कहना ये सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना सर? हाँ, कुछ अपडेट नहीं अब तक हम लोग को बस इतना ही पता चला है। तो एक बड़ी अपडेट ये आप लोग के बीच पहुँची है कि 2020 नियमावली को बिहार सरकार फिर से रद्द कर रही है। 2020 नियमावली बनी, कोई काम भी नहीं हुई और उसे खत्म करके 2022 नियमावली बनी। तब तक ले जाए आगे आप लोग बने रहें। जो बचा हुआ है सर शुक्रवार के जिस दिन सभागार में शुक्रवार को तो मिले थे हम लोग, तो संजय सर तो बोले ही थे सर, संजय सर बोले थे कि ये जैसे ही खत्म हो जाती है ना तो उम्मीद है कि जब खत्म 15 बोले थे तो अभी आए हुए थे, सोचे सर आपसे भी कुछ जानकारी ले। जानकारी कि वो निर्धारित बोल रहे थे कि अभी खरीदे, वो भी बोल रहे थे जो आप लोग सुनना नहीं चाहते थे उन्हें, और जो कहना चाहते थे आप लोग मुझे कोई सुनने को तैयार नहीं था कि ये हम इसको ख़त्म करेंगे, ये नियुक्ति पत्र वितरण करके एक बार क्या है नियुक्ति निकालने के बाद जो उसको हम इकट्ठा करें तो उसके बाद हम लोग सर जी तो सर बोले थे कि आप उसके बाद जी और उससे आप नहीं तो सर वो सर बोले कि 15 तक जो है ये तो ख़त्म हो जाएगी जैसा कि सर बोले, और उसके बाद जो है 20 तक उम्मीद है कि सीट मंगवा दिया जाएगा। जो हमने हमको नहीं छोड़ा 20 तक सीट मंगवा,
डायरेक्टर सर भी बोले थे। तो ऐसे 14 के बाद ऐसे 17 साल तो बंद ही है, और कैसे करेंगे लोग बिना अभी तो बैठे कोई कह सकता कह रहे तो वो कराएंगे सर। ये रवि सर बोले थे ना डायरेक्टर सर जो है प्राइमरी डायरेक्टर। हम नहीं बोले सर। नहीं नहीं सर आप थे सर। आपसे बात पूछिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये आधारित बात है जी। और व्यवहारिक कैसे 100% की 8,000 इन्होंने निकाल के आप 5 दिन में आप छुट्टी मांग लीजिएगा और निकाल के सर मैं ये सब जानना चाह रहा हूँ कि सेंट्रलाइज जो सर बात चल रही है तो ये तो फंड का फंड हो रहा है बिहार में कि आपसे डिस्कशन किया हमको एक दिन का समय चाहिए क्योंकि हमको जितनी जानकारी है या हम जितना बताना चाहते हैं जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ट्राई कर सकते हैं जी जी उसके लिए कम्प्लीट टाइम चाहिए। हाँ क्योंकि वो कितनी बड़ी चीज़ होती है छोटी चीज़ नहीं होती जिसको एक एक बार में दो दो साल लगते हैं तो दो साल लगते हैं तो अब हम प्रयास ये हो रहा है कि इसको सॉफ्टवेयर बनाया जाए। सॉफ्टवेयर बनाने की बात की जा रही है और उसकी नियमावली 2022 की चेंज हो रही है चेंज हो रहा है ताकि पब्लिक जो है या कोई चीज़ है तो कुछ परेशानी ना हो इस तरह का चीज़ ना। 2020 का जो नियमावली बनी थी उससे नहीं होगी सर बंद रही हम नया बना सर। बी एड डी एल एड की भी बात है सर सब कुछ का है सब कुछ है प्रोसेस को खत्म किया जाए 2022 नियमावली बन रही है ना उसी बस हम लोग आपको चलो ठीक है थैंक यू सर। बड़ी बात है 20 नियमावली कहानी खत्म 2020 नियमावली से अब नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो अभी आपने देखा कि डिप्टी डायरेक्टर सर का क्या कहना था कि ये सातवें चरण की बहाली जो आने वाली है इसमें जो नियमावली जो 2020 नियमावली है इस नियमावली को किसी कारणवश रद्द करके और 2022 फिर से एक नई नियमावली बिहार में बन रही है। अब पता नहीं बिहार में सिर्फ नियमावली ही बनेगी या फिर बहाली भी होगी। एक तो 2022 नियमावली सॉरी 20 बनी है तब से बहाली नहीं हुई है। ये जो छठे चरण की बहाली हुई ये 2012 के नियमावली पे हुई है। अब पता नहीं बिहार सरकार शिक्षा विभाग ये कैसे कह रही है कि हम नए तरीके से नियमावली बना रहे हैं। और आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो है डेस्कटॉप पर हमें दिखलाया भी गया कि देखिए अभी काम चल रहा है नियमावली का। नियमावली बन रही है दोस्तों ये बड़ी खबर है बिग अपडेट है कि नियमावली बनने के बाद और हाँ 2022 में आपको शिक्षक बढ़ा दिया जाएगा। ये शिक्षा विभाग के बड़े लेवल के अधिकारी का कहना है कि हम 2022 आप 2022 क्यों बोलते हैं आपको उससे पहले हम शिक्षक बना देंगे जैसा कि आपने उनका ऑडियो में भी सुना होगा। अब ये यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन है कि उस दिन जो सभागार में शुक्रवार को दिन जो बात हुई शिक्षा विभाग के बड़े लेवल के अधिकारी से 8 अप्रैल को उसमें उनका साफ साफ जो का बात कहना था उसमें कुछ बात वो जबरदस्ती अभ्यर्थियों को कहने पर बुलवाए गए थे और जबरदस्ती अभ्यर्थियों को कहने पर बोले थे जैसा कि आज डिप्टी सर ने भी बोल दिया कि ये सब जो आप नहीं सुनना चाहते थे वो भी उस बात उनमें बताया गया। जैसा कि 5 दिन में जो सीटों को मनाने के लेकर जो बोले हैं संजय सर को ये नहीं इम्पॉसिबल है जैसा कि आज डिप्टी डायरेक्टर सर ने भी साफ कर दिया कि जो बात आप लोग सुनना नहीं चाह रहे थे वही बात वो संजय सर बोले हैं। तो इसीलिए आज का जो अपडेट था आज सारा कुछ आप लोग जान गए। आज संजय सर सीएम आवास पे जैसा कि आप जानते हैं जनता दरबार में गए हुए थे और डायरेक्टर सर अभी प्रकाश सर भी नहीं थे मंत्री जी से भी आज मुलाकात नहीं हुई। फिर हम लोग जब सचिवालय में तो सोचे कि कुछ ना कुछ अपडेट तमाम बिहार के वंचित अभ्यर्थियों को लेकर आया जाए। आज 3 व्यक्ति हम लोग गए थे सचिवालय में जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही मैं दिखलाने का प्रयास किया। और ये एक बड़ी खबर है कि 2022 नियमावली बनाई जा रही है। 2022 नियमावली में देखना काफ़ी जो दोस्तों दिलचस्प हुआ कि क्या क्या दिया जाता है। 2020 नियमावली में था कि डोमेसाइल के साथ ऑनलाइन बहाली सेंट्रलाइज तरीका से था और ये भी 22 में ऑनलाइन सेंट्रलाइज होगा जैसा कि आपने ऑडियो में भी सुना। लेकिन डोमेसाइल के ऊपर अब उम्मीद है कि डोमेसाइल इसमें कर रही है गवर्नमेंट या फिर नहीं कर रही, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें भी डोमेसाइल की जिक्र किया जाएगा और डोमेसाइल भी बहाली का बात आएगी और डोमेसाइल बहाली को श्योर होगी। अब जल्द ही उम्मीद है कि जल्द ही 2022 नियमावली भी प्रकाशित कर दिया जाएगा तमाम बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार लाने को लेकर। आगे देखना काफ़ी दिलचस्प है कि क्या कुछ निकल कर आता है दोस्तों।
और जैसे ही अपडेट आती है आपके पास में पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। कोई किसी प्रकार के शिक्षा देगा संबंधित अपडेट अभी आएगी तो ओके, वीडियो को आप लोग शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, जरूर शेयर कर लीजिएगा। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन अवश्य कर देना, ताकि जो भी शिक्षा देगा संबंधित वीडियो अपलोड होगी उसका